ओम श्री परमात्मने नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हरिदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्म शास्त्र के विशेषज्ञ के शास्त्र में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोग को सांख्य कारिका को सरल शब्दों में समझा रहे हैं। 31वीं कारिका का अर्थ आज गुरु जी बताएंगे, तो चलते हैं गुरु जी के समीप। नमोस्परंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। संस्कृत इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिदय अवस्थी जी, चैनल से संबद्ध सभी विद्वतगण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का इस सांख्य शास्त्र के विचार परंपरा में स्वागत है। कल चर्चा हुई थी कि दृष्टोपाय में बाह्येन्द्रिय और ये तीनों अंतःकरण के जो स्वरूप हैं, बुद्धि अहंकार और मन, ये कैसे अपने अपने व्यापारों से अपने कार्य को संपादित करते हैं और अप्रत्यक्षावस्था में तीनों अंतःकरण किस तरह से अपने व्यापार को संस्थापित करते हैं, इस पर विचार हुआ था। इसी विचार परंपरा में आगे कहते हैं कि ये चारों का अथवा तीनों का, तीनों की जो वृत्तियां हैं, ये केवल तन मात्राधीन नहीं है, अपितु सदा सदा रहत्वेन जो है ये वृत्तियां सदैव उत्पादन करती आ रही हैं और उनका व्यापार होता रहता है। किंतु इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि आकस्मिक पक्ष में इन दोनों वृत्तियों का यदि संकर हो जाता है, सम्मिश्रण हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में कोई नियम के हेतु का यहाँ अभाव है, तो कैसे फिर उस संकर का समाधान हो। इस विषय में कारिका उपस्थापित की जाती है ईश्वर कृष्ण जी के द्वारा। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकृत हेतु काम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतु न केनचित् कार्यते करण। अर्थात जो ये बाह्य इंद्रिय और ये तीनों अंतःकरण है, बुद्धि अहंकार और मन, ये स्वाम स्वाम परस्परा कूत हेतु काम वृत्ति प्रतिपद्यन्ते। परिक अभिप्राय जो है एक दूसरे के स्वकार्योन्मुखता के कारण ये स्वाम स्वाम वृत्ति प्रतिपद्यन्ते अपने अपने व्यापार ही प्राप्त करते हैं, उसी में सफल। तो इसमें मुख्य हेतु क्या है? उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ एव हेतु, इसमें जो इन कारणों की व्यापारशीलता में जो मुख्य हेतु है वो केवल पुरुषार्थ ही है। कोई किसी अन्य के द्वारा कोई वहां पर प्रयोजक या कोई कारण या कोई प्रयोजक कोई दूसरा व्यक्ति वहां नहीं। पुरुषार्थ हेतु न केनचित कार्यते करणम, केनचित अन्येन तत्करणम न कार्यते, अर्थात वही व्यापार किसी दूसरे के द्वारा नहीं कराया जा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको प्रयोजन है। पुरुषार्थ ही उसमें हेतु। इस कारिका के
तात्पर्य को आचार्य वाचस्पति विश्व और उसमें स्पष्ट बनते हैं करणानिधि शेष अर्थात यथा ही बहवः पुरुषा शाक्तिक याष्टिक धानुष्क कार्पाणिकार वाणिकाः कृत्संकेतः परावस्कन्दनाय प्रवृत्ताः तत्र अन्यतमस्य आकूतम् अवगम्य अन्यतमः प्रवर्तते प्रवर्तमानस्तु शक्तिकः शक्तिमेव आदत्ते न यष्ट्यादिकम् एवं याष्टिकोऽपि यष्टिमेव न शक्त्यादिकम् तथा अन्यतमस्य करणस्य आकूतः स्वकार्यकरणाभिमुख्यात् अन्यतमं कारणं प्रवर्तते। तात्पर्य है कि जो यहाँ पर बताया गया कि ये जो है प्रत्यक्षावस्था में बाह्य इंद्रिय और बुद्धि अहंकार और मन तथा अप्रत्यक्षावस्था में बुद्धि अहंकार और मन ये सभी परस्पर पारस्परिक जो हेतु वाले उनके जो अपने या संकेत वाले जो अपने अपने व्यापार हैं उसमें वो प्रवृत्त होते हैं उसमें मुख्य पुरुषार्थी है तो कैसे ये पुरुषार्थ होते हैं उसके विषय में बता रहे हैं कि जैसे बहुत से मनुष्य हैं कोई शक्ति लिए हुए है कोई यष्ट लिए हुए कोई तमुष लिए हुए है कोई जो है ऐसा व्यक्ति है कि वह जो है कृपाण लिए हुए है कारपाणी का कृपाण लिए और उनको जैसा बतलाया गया है जैसा उनको संकेत दिया गया है तो संकेत के अनुसार संकेत परावस्कंदनाय प्रवृत्ता है तो अपने पारस्परिक शत्रु को दमन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तस्य तत्र अन्यतमस्य कृतम अवगम्य अन्यतम प्रवर्तते उसमें क्या होता है कि दूसरे का अभिप्राय जानकर ही प्रवृत्त होते हैं और प्रवृत्त होने और जो है अन्यस्य तत्र अन्यतमस्य कृतम अवगम्य एक दूसरे के जो है अभिप्राय को समझ करके ही अन्यतम कश्चित दूसरा कोई व्यक्ति उसमें प्रवृत्त होता है और वो प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति जो है वो शक्तिधारी भी होता है तो शक्तिधारा केवल शक्ति को ही ग्रहण करता है दूसरे अस्त्र विशेष को ग्रहण नहीं करता है। इसी तरह जो लाठी लिए हुए यष्टि लिए है वो केवल यष्टि को ही लेता है वो शक्ति इत्यादि को नहीं लेता है। इसी प्रकार जो कृपाण धारण किए वो कृपाण को ही लेता है वो शक्ति या यष्टि को नहीं लेता है। उसी तरह से अन्यतमस्य करण से आकृता अन्यतम साधन के उपस्थित होने के कारण उसका व्यवहार होने के कारण स्वकार्य करणाभिमुखात अन्यतम करण प्रवर्तते अपने कार्य और कार्य के साधन के अनुसार उसके प्रति अभिमुख होकर के अन्यतम जो करण है अन्यतम जो व्यापार है जिस व्यापार की कार्य विशेष की स्थिति होनी है उसी व्यापार विशेष में प्रवृत्त होते हैं किसी अन्य व्यापार में नहीं प्रवृत्त होते हैं। तद प्रवृत्ति से हेतु मत्ता उसी प्रवृत्ति में हेतु मत्ता है इसलिए न वृत्ति संकर प्रसंगा इसलिए किसी के दूसरे के व्यापार में किसी दूसरे के प्रसंग होने की संभावना नहीं क्योंकि आपका कथन यह था कि कभी अचानक अगर कार्य हो जाए तो बुद्धि जो है वो अहंकार का काम करने लग जाए अहंकार मन का काम करने जाए मन जो है बुद्धि का काम करने लग जाए तो ऐसे आकस्मिक अवस्था इस तरह से वृत्ति संकर नहीं हो सकता क्योंकि जो जिस कार्य विशेष में प्रवृत्त है वो अन्यतम अपने उसी कार्य विशेष का संपादन करेगा अन्य का संपादन कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके तदनुरूप में उसकी उन्मुखता नहीं बनी तो जिस कार्य विशेष में जिसकी उन्मुखता है उस कार्य विशेष का संपादन उसी के द्वारा होगा किसी अन्य के द्वारा नहीं होगा इसलिए तत्प्रवृत्ते हेतु मत्वात् न वृत्ति संकर प्रसंग इसलिए किसी के व्यापार में सांकर्य होने की संभावना ही नहीं है इसलिए इन्होंने कहा स्वाम स्वाम वृत्ति प्रतिपद्यन्ते अपने अपने वृत्ति में ही प्रवृत्त क्यों परस्पर अकृत हेतु का
परस्पर में जो है सभी के जो है हेतु को बने गए, संकेत बने उसी के आधार पर ही वो सब। अब इसके आगे विचार होता है कि स्या देते यष्टिकादयः चेतनत्वात् परस्परात्मकत्वं प्रवर्तन्ति इति। कारणानि तु अचेतनानि तस्मान् नैव प्रवर्ति उत्साहते। बोले चलो ठीक है भाई, जैसे आपने इसको उदाहरण और उदाहरी को बताया, तो जैसे यहाँ पर यष्टि जो है यष्टि अर्थात छड़ीधारी जो मनुष्य है वो चेतन है, तो चेतन होने से परस्पर में अपने मुख्य कार्य विशेष को समझते हैं कि उनका जो है मुख्य अभिप्राय क्या है, उनका कार्य विशेष क्या है, तो परस्पर अभिप्राय को समझ कर वो प्रवृत्त होते हैं। किंतु ये जो व्यापार है इनके अंग बुद्धि अहंकार मन इत्यादि की, ये तो अचेतन है। बिन अचेतनों के होने के कारण तो ये तस्मान नैव प्रवर्तित उत्साहते, तो ये अपने अपने ही व्यापार में प्रवृत्त होंगे, अन्य के व्यापार में प्रवृत्त नहीं होंगे, ऐसा कैसे कह सकते हो। तेन येषाम अधिष्ठात्रा करणानाम स्वरूप सामर्थ्यो सामर्थ्योपयोग अभिज्ञानेन भवितव्यम्। तो इसमें इनके जो करण है ये अचेतन है, इनके अचेतन होने के कारण ये इस तरह से अपने अपने कार्य में ही प्रवृत्त होंगे, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं। इसलिए तेन एषाम अधिष्ठात्रा, एषाम करणाना अधिष्ठात्रा स्वरूप सामर्थ्यो प्रयोगा विज्ञानेन भवितव्यम्। इसलिए इन करणों को व्यापार में लगाने वाला कोई अधिष्ठाता स्वरूप सामर्थ्यो स्वरूप सामर्थ्य के उपयोगी से संबंधित जो ज्ञान है उस ज्ञान को बतलाने वाला उसका प्रवर्तक कोई एक व्यक्ति विशेष होना चाहिए, जिससे कि अपने अपने कार्य विशेष को संपादित करे। क्या इसमें हेतु है, कोई कहे से पुरुषार्थ हेतु है, न केनचित कार्य देकर पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ क्या है, तो भोगापवर्ग लक्षण पुरुषार्थ, भोग और अपवर्ग। भोग का तात्पर्य है सांसारिक जितने भी कार्य विशेष हैं उनका भोग, और अपवर्ग का तात्पर्य होता है मोक्ष। तो भोग और अपवर्ग स्वरूप वाला जो पुरुषार्थ है, क्योंकि पुरुषार्थ ये होते हैं, जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की जाती है, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, वह है धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसलिए तो धर्म अर्थ ये जो है धर्म अर्थ काम ये भोग के अंदर हो, और मोक्ष जो अपवर्ग का स्वरूप होगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप जो ये पुरुषार्थ है वही पुरुषार्थ इसमें हेतु है। तो पुरुषार्थ है एव अनागतावस्था, तो कैसे रहता है अनागतावस्था है, वो कहीं से स्वतः वहां पर रहता है, कहीं से वो आता नहीं है, वो ऐसा जो पुरुषार्थ है वही पुरुषार्थ ही उसमें वो प्रयोजक होता है और कोई दूसरा प्रयोजक नहीं होता है। तो प्रयोजक इसलिए इसका प्रयोजक कहा गया, कैसा प्रयोजक होना चाहिए, तो जो भोग और मोक्ष कार्य ही जिनके करणों वृत्तिशील बनता है उसके स्वरूप को जानने वाला कोई चेतन होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर अनागतावस्था प्रवर्तयति, वह जो है वही इन सब उनके करणों को प्रवृत्त करता है, उन्हें लगाता है कि इस कार्य को आपको देखना है, इस कार्य को आपको देखना है। तो कृतमत्र तत्स्वरूपाभिज्ञाने न करता, तो उनके स्वरूप को जानने वाला जो करता है उसके द्वारा ये सब प्रवृत्त किए जाते हैं, उसी में प्रवृत्त होता है। कैसे का एतच्च वत्स विवृत्त निमित्तम इत्यत्र उपादिश्यते, का इसकी विषय में हम आगे की जो कारिकाएं हैं जो 57वीं कारिका है वत्स विवृत्त निमित्तम, इस विषय का वहां पर सही ढंग से इस पर विचार। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में 31वीं कारिका का अर्थ हम लोग को समझाया, जिसमें तेरह करण के संदर्भ में व्याख्या थी। ईश्वर आपकी सहायता करें, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।